दोस्तों आइए पढ़ते हैं संस्कृत में तद यानी वह नपुंसक लिंग का रूप। अभी तक हमने तद पुल्लिंग का पढ़ा, स्त्रीलिंग का पढ़ा, अब हम लोग नपुंसक लिंग का देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। नपुंसक लिंग में रूप चलेगा तद का। प्रथमा विभक्ति में तत् या तद, तेतानि, तत् तेतानि यानी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में नपुंसक लिंग में सेम रहता है। तत्तेतानि यहाँ पर चाहे तत् पढ़े या तद पढ़े दोनों सही है। तृतीय विभक्ति में रहेगा तेन ताभ्याम तै, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् या तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु। इसमें जो है हमेशा प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति नपुंसक लिंग में एक समान रहता है। उसके बाद जो है चाहे नपुंसक लिंग में कोई भी रूप चलेगा वो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में एक समान होता है। चलिए आइए रिपीट करते हैं। तत् तेतानि, तत् तेतान, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु। इसको ये देखिए प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों में रूप एक समान है। उसके बाद द्विवचन में तृतीया, चतुर्थी, पंचमी एक समान, फिर षष्ठी, सप्तमी एक समान। उसके बाद इसमें प्रथमा द्वितीया एक समान, फिर तृतीया छोड़ करके चतुर्थी और पंचमी एक समान चल रहा है इसका रूप। इसको इसी प्रकार याद करेंगे, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।